मैं आपका पीरियड दोस्त गुरु जी, तो यार लवली तो कोई काम गया वो हॉर्स फार्म की तरफ है। हॉर्स फार्म में कुछ मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा रहे हैं तो उसकी तरफ गया है। तो मैं इस ट्रैक्टर को यार यहाँ देख सकते हैं, ड्राइवर है वो चला रहा है। तो ड्राइवर ने कॉल किया कि यार जो चारे के जो ये बंडल्स हैं उन्हें तो उठाओ यार। तो मैं आ चुका हूँ फील्ड में ट्रैक्टर को लेके और चारे के बंडल उठाता हूँ। ओ हो, देखो स्पीड के साथ एकदम क्या मज़ा है। मुझे एकदम स्लो करने की भी ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कितनी टॉप स्पीड में भी ये चारे के बंडल को उठा रहा है। ये देखो कैसे रख रहा है चारे को एकदम से। ये देखो ट्रॉली एकदम, ये ट्रॉली मतलब काफी ही नेक्स्ट लेवल ट्रॉली है अपने आप में। ये देखो फील्ड में आज जो बंडल संचारे के इन्हें सभी को इकट्ठा करके गौ फार्म की तरफ मैं जाऊंगा फिर। ओहो, यार थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, जो ट्रैक्टर चलाने में जो मज़ा वो अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मतलब मशीन की भी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखो एकदम बंडल को समेट रही है। ये देखो इस प्रकार से चारे को इकट्ठा करती जाती है पीछे पीछे। तो आप देख सकते हैं इस साइड हमारे जो बिजाई वाला ट्रैक्टर है वो चल रहा है। और यार मैंने जो चारे के जो सभी बंडल्स हैं उन्हें मतलब कोई एक दो बंडल और बचा तो मैं देख लेता हूँ घूम के। ये देखो एक बंडल यहाँ भी था। इस बंडल को भी इकट्ठा कर लेता हूँ यार, क्योंकि तो चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें फिर। यार ये ट्रैक्टर मतलब गेयर में कुछ प्रॉब्लम्स है ट्रैक्टर के, तो इसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी यार, काफ़ी टाइम हो गया वो एकदम से कंट्रोल नहीं हो रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रैक्टर में, तो इसकी सर्विसिंग भी जल्दी करवानी पड़ेगी यार। और ये देख सकते हैं कि ये अनाज की भरी हुई ट्रॉली यहाँ खड़ी है मेरी। ये ट्रैक्टर जो प्लाव लेके ड्राइवर इस पे लगा हुआ है, तो इस ड्राइवर ने यार मेरे को कॉल किया था कि यार ये चारे के बंडल्स उठाओ वरना ये यहीं प्लाव के नीचे दब जाएंगे। और यह भर के मैं जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस की तरफ, गौ फार्म हाउस की तरफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा गौ फार्म हाउस।